हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना सर्वाइवल सीरीज को बट इन PS5 पर। भाई मैं इस रिमोट से नहीं खेलने वाला, भाई मैं इससे जितना खेला हूँ भाई उतना आर्मर आया, तो भाई मैं इसको परनाम करता हूँ। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा वर्ल्ड स्पॉन है वो कुछ इस प्रकार सा है, ठीक है। तो मेरा देखो दो गोल है आज का, एक है आयरन आर्मर बनाना और एक विलेज ढूंढना। तो चलो यार अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ लकड़ियाँ काट लेते हैं। ओके, तो यहाँ कम से कम मैंने 6 जो वुड है वो मैंने काट लिया है। इसको बनाता हूँ प्लैंक्स में। अब बनाते हैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल। अब मेरे को बनाना है यहाँ पर एक्स और पिकैक्स। चलो ये दोनों हो गया, अब मेरे को क्या करना है। देखो सबसे पहले मैं बेड ढूंढना चाहूँगा, ठीक है। बेड बनाऊंगा क्योंकि भाई अगर रात हो गई तो फिर ज़ॉम्बी लोग जो तुड़ाई करेगी ना मेरा, मैं जा ही जानता हूँ, ठीक है। ओके, तो मुझे यहाँ पर 2 वुल मिली है अभी तक, ठीक है। और मुझे 1 वुल चाहिए ताकि मैं बेड बना सकूँ। और आई थिंक ये आर्मर डीलो है। हाँ ये आर्मर डीलो है भाई। भाई मैंने अपडेट आया था ना भाई, मैंने गेम पक्का नहीं खेला था यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने एकदम गेम नहीं खेला था। अभी अपडेट के बाद देख रहा हूँ यार आर्मर डीलो आ चुका है, ठीक है गेम में। अभी एक शिप ढूंढना है फिलहाल, बाद में देखेंगे वो सब चीज़। ओके, तो एक शिप यहाँ घूम रही है भाई, वहाँ पर तुम्हारे भाई बहनों को मारा तो यहाँ पर, ठीक है। क्राफ्टिंग टेबल को मैं रख देता हूँ और यहाँ रखा मैंने 3 वुड और ऊपर 3। चलो ठीक, अब यहाँ पर बेड बन गया है। अब मेरे को क्या करना है, देखो सीधा बात है, मेरे को थोड़ा सा खाने की ज़रूरत होगी ताकि मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर सकूँ और थोड़ा एरिया का एक्सप्लोर कर पाऊँ और विलेज ढूंढ पाऊँ। विलेज ढूंढने के बाद मैं आयरन आर्मर बनाने चलूँ। आई थिंक मुझे उस पार जाना चाहिए, ठीक है। उस पार जाने से पहले मैं एक सोच रहा हूँ, वहाँ पर देखो स्टोन के बहुत सारे पहाड़ है भाई, मैं थोड़े से स्टोन तोड़ लेता हूँ और टूल्स को अपग्रेड कर लेता हूँ और साथ में फर्नेस बना लेता हूँ ताकि जो खाना है वो मैं पका के खा सकूँ। ओके, तो मैं स्टोन वाले एरिया को पहुँच चुका हूँ, अब जल्दी से स्टोन तोड़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने 30 स्टोन तोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर रखता है इस। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपने जो टूल्स है वो अपग्रेड कर लिया है, ठीक है। अब अरे वो एक सेकंड यार, मैंने फर्नेस नहीं बनाया। ये हो गया फर्नेस कंप्लीट, अब इसको यहाँ पर रखते हैं। और यार मेरे थोड़ा सा कोल चाहिए और बगल में यार बहुत अच्छा बहुत सारे कोल है, आराम से तोड़ लेते हैं इसे। ओके, तो मैंने 15 कोल्स यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर रखते हैं और जो खाना है वो यहाँ पर खाना नहीं है यार ये, हाँ इसे खाना मैं रख देता हूँ। और कुछ आसपास सिप्स और है उन्हें भी मार देता हूँ। ये मुर्गा की घोरा है यहाँ पर भाई, मैंने आर्मर डीलो को आज तक मारा नहीं है और मुझे नहीं पता इसमें मारने से पे क्या मिलता। मैं ऐसे मारने का ट्राई करना चाहता, सॉरी भाई मारना नहीं चाहता पर ट्राई करना तो पड़ेगा ना। ओके, मर जा, मर मर। कुछ भी नहीं मिला, इतना ना कुछ नहीं मिला यार। है यार सस्ता आदमी है यार, मेरे को लगा महंगा आदमी होगा। ओके, यहाँ पर जितना भी मेरा खाना था वो कुक हो चुका है, अब यहाँ पर आराम से खा लेते हैं यार, आराम से पेट भर के। भाई बहुत ऐसा भूखा था मैं। ओके, अब देखो यार यहाँ पर लगता है मेरे को रात होने वाली है, मैं तभी इसे तोड़ के थोड़ा आगे जाऊँगा और आगे जाके ट्रैवल करते रहूँगा ताकि मुझे विलेज जो है वो मिल जाए जल्द से जल्द। भाई रात होने को है और यहाँ पर देखो पंपकिन है, देखो पंपकिन के सामने गारंटी विलेज होता है ऐसा मैंने सुना है। देखो मैंने आज तक मैंने जितना पंपकिन मिला और सामने में खोजा हो तो आज तक मुझे विलेज नहीं मिला है। तो फिर आज एक और बार फिर से ट्राई करते हैं, मिल गया तो अच्छा बात है। पर अभी यहाँ पर जो रात होने वाली है तो मैं यहाँ पर अपना बिस्तर लगा के सो जाता हूँ। कहाँ गया यार बिस्तर? हाँ यहाँ बिस्तर लगाया, सो गया। ओके, तो सुबह हो चुकी है, अब यहाँ पर मैं बेड को तोड़ लेता हूँ और चलता हूँ यार थोड़ा सा आगे, मुझे विलेज खोजना है यार। मैं ऊपर तो आ चुका हूँ और हाँ भाई विलेज है। मैंने कहा पंपकिन जा रहता हूँ, विलेज मिलना तय है, पर बहुत बार मेरे को नहीं मिला, पर इस बार भाई मिल गया यार। सच्ची बता रहा, बहुत खुशी हो रहा है मेरे को अंदर से। अभी यहाँ पर मेरे को देखना है लूट कितनी बड़ी है भाई। हर जगह मिलते हैं क्या इस सवाना भाई? में ही मिलते हैं मेरे को लगता है। ओके, तो लूट तो कुछ नहीं है भाई, गरीब विलेज है कसम से भाई। ओह, गोलम है कम से कम यहाँ पर, हर विलेज में होता ही है। आयरन तुम्हें से लूंगा भाई, यार देखते हैं यार। घर में तो कुछ मेरे को मिल नहीं रहा है यहाँ पर, कुछ भी मिल जा। ओके, यहाँ एक चेस्ट है और चेस्ट में ओके एमरल्ड है और बकेट, बहुत अच्छा। बकेट की मुझे बहुत ज़रूरत थी, यहाँ पर मैं इसे हटा कर रख देता हूँ बकेट को। भाई कम से कम फॉल डैमेज देने से मैं बच जाऊँ भाई। सही का यहाँ पर एक भी चेस्ट नहीं है भाई, एक ही चेस्ट, हाँ यहाँ है चेस्ट, एक ही चेस्ट मिला था यार तभी से। और सैडल मिला अभी, चलो बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर मैंने विलेज तो वो पूरा लूट चुका है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि देखो आयरन गोलम से मारने से पहले मैं सारे हेबल तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर रखता हूँ सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल और जो मैं होई होता है ना यार, हाँ होई, उससे बना लेता हूँ ताकि जो हेबल्स है वो जल्दी टूटे। ऐसे ही बताया था ना, हाँ ऐसे, बहुत अच्छा। अभी भी थोड़ी मोड़ी याद है यार मेरे को। चलो अब यहाँ से जो हेबेल है वो तोड़ना स्टार्ट करते हैं।
भाई माना विलेज के चेस्ट में कुछ नहीं था पर खाना बहुत सारा था यार यहाँ पर। ठीक है अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो बेड है इसका यार रख के रिस्पॉन पॉइंट अपना जो है ना वो सेट कर लेता हूँ। अब मुझे ढूंढना है गोलम को, नहीं गोलम यहीं पर है भाई, अब मेरे को मारना है इस गोलम को। मैं सबसे पहले यहाँ पर रख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब गोलम भैया आयरन देने की बारी आपकी, मेरे को अच्छा से भागना है एकदम। गोलम आजा भाई, मेरे को मारना मत क्योंकि यार ये बेडरॉक एडिशन है यार, ये जावा एडिशन। आजा भाई ऐसा मार मारूंगा ना भाई कम से कम 5 आयरन या 4 आयरन तो गिरा ही देगा भाई ये। गया बहुत अच्छा, कितना आयरन दिया बस मेरे को वो देखना है। तो कितना आयरन दिया यहाँ पर इसने, 5 आयरन भाई एकदम गिन के भाई, तुम सर में डर गया गोलम से। अब देखो मेरा एक गोल तो कंप्लीट हो गया है विलेज ढूंढना, अब दूसरा गोल बाकी आयरन आर्मर बनाना। तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा माइनिंग पे, तो सबसे पहले मैंने अपना जो सामान है वो सारा सॉर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं जाता हूँ माइनिंग पे। भाई एक चीज देखो वहाँ पर क्या है, पिलेजर आउटपोस्ट भाई, इतना अच्छा लग कहाँ हो सकता है भाई मेरा। मैं तो बगल में ही घर बनाने वाला हूँ क्योंकि विलेज से कनेक्टेड रहूंगा मैं, और साथ में भाई यहाँ पिलेजर आउटपोस्ट रेड बनवा के अपना ट्रेडिंग रेडिंग सब चलेगी। तो मेरा जो सारा सामान है वो सॉर्ट कर लिया हूँ, अब मुझे कुछ क्राफ्ट करने पिकेक्स, कम से कम 4-5 पिकेक्स लेके जाऊंगा, और जो मेरे पास कुछ आयरन है उससे मैं बना लूंगा एक आयरन के पिकेक्स बना लूंगा, ताकि मुझे अगर मान लो डायमंड मिल गया गलती से तो मैं उसे कलेक्ट कर पाऊँ। ओके तो मेरा जितना भी काम था वो मैंने कम्प्लीट कर लिया, अब चलते हैं माइनिंग पे। मैं सीढ़ी बना के जाता हूँ नीचे। ओ भाई यहाँ गोल्ड मिला मेरे को, ओके आयरन मुझे मिल गया मेरा, ठीक है अब मैं आयरन को माइन करता हूँ अपना पहला आयरन। सामने भाई स्केलेटन ज़ॉम्बी सबका आवाज आ रहा है भाई, मेरे को लगता है कि खत्म है भाई, मैं मरने वाला हूँ बहुत जल्दी। 3 days later ओके तो यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ, वो भी पूरे के पूरे 47 आयरन लेके, और आई थिंक मेरा इतना तो काफी है। ठीक है अभी मैं यहाँ पर स्मेल्ट लगाने देता हूँ, ठीक है। ओके तो जो हमारा जितना भी आयरन है वो सारा स्मेल्ट हो चुका है, अब फटाफट से बनाते हैं आयरन आर्मर। ओके मैंने सारा जो आर्मर है वो बना लिया है, ठीक है अब जाता हूँ यहाँ पर करेक्टर पे, इसको सब पहना देता हूँ, और इन सबको भाई हटाओ सबसे पहले, ये भी हटाओ ये भी हटाओ, इसको मैं रखता हूँ नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है वो रेडी हो गया है, आयरन आर्मर जो है मैंने पूरा बना लिया, विलेज भी खोज लिया, तो आज का जितना भी गोल था मैंने कंप्लीट कर दिया। तो चलो यार आज की वीडियो इतना ही, आई होप आपको जो वीडियो वो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार मुझे कमेंट में बताते रहना कि यार और क्या मुझे नई नई चीज़ करनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।